नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे। दोस्तों, राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से आदेश जारी हुआ है। मध्य प्रदेश की जो प्राथमिक और माध्यमिक यानी कक्षा 5 और 8 को बोर्ड से संबंध लेकर कुछ निर्देश हैं इस आदेश में, तो चलिए वो देख लेते हैं। सभी अध्यापक शिक्षक जरूर देखें, लेट्स गो। आप साथी देख सकते हैं, ये आदेश 11 अक्टूबर को निकला है राज्य शिक्षा केंद्र से। प्रति प्राचार्य जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान DRC समस्त मध्य प्रदेश विषय कक्षा 5 एवं 8वीं की त्रैमासिक परीक्षा 2019 के प्रश्न पत्रों का विश्लेषण करने बाबत। विषय अंतर्गत जिलों में इस वर्ष कक्षा 5वीं और 8वीं की त्रैमासिक परीक्षा सितंबर माह में आयोजित की गई है। जिलों में इस परीक्षा का परीक्षाफल भी तैयार कर लिया गया होगा। विदित हो कि इस वर्ष राज्य शिक्षा केंद्र के पत्र क्रमांक दिनांक 26/6/19 अनुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE संशोधन गजट नोटिफिकेशन के दिनांक 2 मार्च 2019 अनुसार कक्षा 5 एवं 8वीं की वार्षिक परीक्षा माह फरवरी या मार्च 2019 में आयोजित की जाएगी। वार्षिक परीक्षा में बैठने वाले विद्यार्थियों को सभी विषयों में राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा विनिश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त करना होगा। यदि कोई विद्यार्थी सभी विषयों में विनिश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त नहीं करता है तो उसकी एक बार पुनः परीक्षा होगी, और उसमें भी उसके द्वारा विनिश्चित किए गए अंक या ग्रेड प्राप्त नहीं किया जाता है तो उसे उस कक्षा में रोका जाएगा। अतः उपरोक्त के अनुक्रम में निर्देशित किया जाता है कि जिले के राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा चिन्हित लगभग 100 विद्यालयों में कक्षा 5वीं और 8वीं की त्रैमासिक परीक्षा के प्रश्न पत्रों का प्रश्नवार विश्लेषण जिले की डाइट द्वारा 18 अक्टूबर 2019 तक किया जाए। जिन जिलों में डाइट नहीं है वहाँ पर यह कार्य संबद्ध डाइट द्वारा किया जाएगा। विश्लेषण हेतु फॉर्मेट तथा चिन्हित विद्यालयों की सूची डाइट एवं DPC के मेल पर भेजी जा रही है। आयरिस सिंथिया JP हैं संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से, और नीचे प्रतिलिपि भी दिया गया है। दोस्तों, आगे भी आपको इसकी लेटेस्ट न्यूज मिलती रहे इसलिए आप न्यूज टुडे जुड़ना ना भूलें। सब्सक्राइब और बेल के आइकन पर क्लिक करके वीडियो देखने के लिए आपका